क्या आप भी ऐसे करारे कुरमुरे चने अपने घर पे भून लेना चाहते हैं? आप चाहते हैं बाजार जैसे कुरमुरे चने आपके घर में चंद मिनटों में बनके तैयार हो जाए और आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े? तो इसके लिए हमने चने लिए हैं दोस्तों। दरअसल दो तरीके के काले चने बाजार में मिलते हैं, एक थोड़े बड़े और एक थोड़े छोटे। आपको थोड़े बड़े वाले चने लेने हैं क्योंकि उनमें भरपूर मॉइस्चर होता है। अब आप एक कटोरी में ले लीजिए थोड़ा सा नमक और हल्दी और हल्का सा पानी का मिश्रण तैयार कर लीजिए। इस घोल का अभी आपने कहाँ इस्तेमाल करना है आपको बताते हैं। जो हमने मोटे काले चने लिए हैं, इन काले चनों को आपको क्या करना है दोस्तों, हल्का सा मॉइस्ट करना है। हल्दी का और जो नमक का जो पानी तैयार किया है, इससे जो चनों का फ्लेवर है वो बेहतर हो जाता है, थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है। आपने अक्सर बाज़ार में देखा होगा बाजारी चने हल्के से पीले होते हैं, तो ये हल्दी का पानी इनको थोड़ा सा और बेहतर पीला करता है। साथ ही में नमक और हल्दी का फ्लेवर बेहद ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो आपको इनको 3 बार 1-1 चम्मच पानी लेके हल्का सा मॉइस्ट करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि ये थोड़ा सा पानी अब्सॉर्ब कर लें और इनके ऊपर का जो छिलका है वो थोड़ा सा मुलायम हो जाए। तो लगभग 10 से 15 मिनट अब हमें हो चुके हैं, और अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेंगे, उस पर बिछा लेंगे एक टिश्यू पेपर, क्योंकि भूनते वक्त हम नहीं चाहते इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर हो। तो मॉइस्चर को सोखने के लिए हमने एक टिश्यू पेपर ले लिया और इन चनों को हम हल्का सा सुखा लेंगे। 15-1 मिनट तक हमने इन्हें भिगा के रखा था बिल्कुल हल्के पानी में, ताकि ऊपर की जो परत है वो थोड़ी मुलायम हो। अब आप देख सकते हैं हम इन्हें थोड़ा सा ड्राई कर रहे हैं, एक टिश्यू पेपर ऊपर भी लगा लिया है और थोड़ा सा बेहतर ड्राई कर रहे हैं। अब दोस्तों दूसरी तरफ वहीं हमने कढ़ाई ले लेनी है, और कढ़ाई में थोड़ा सा नमक ऐड करना है। आप चाहें तो रेत भी ले सकते हैं, मुझे नमक में थोड़ा बेहतर लगता है इसलिए मैंने नमक ऐड किया है। नमक को हल्का सा बंद करके 1 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें। ज़्यादा प्रीहीट नहीं करें, नहीं तो आपके चने जल सकते हैं। हल्का सा प्रीहीट करने के बाद जो हमने अपने चने भिगा के ड्राई करे हैं, उन चनों को वापस इसमें डाल देते हैं, और अब इनको हमें फटाफट से घुमाना होगा। महज 4 से 5 मिनट में ही आपके चने भुन के तैयार हो जाएंगे। हल्के से चने गीले हैं तो हल्का सा ये नमक चिपक रहा है, लेकिन मात्र आधे मिनट में ही ये छोड़ देगा चनों को। तो आप देख सकते हैं कैसे चने हमारे थोड़े से ड्राई हो चुके हैं, और वहीं पे अब ये बहुत ही जल्दी भुनना शुरू हो जाएंगे। ये देख सकते हैं भुनना शुरू हो चुके हैं हमारे चने। 4 से 5 मिनट में ये बेहतरीन रेसिपी बनके तैयार हो जाती है, भुन के तैयार हो जाती है। बनाना बेहद ही ज़्यादा आसान है, और इतने क्रिस्पी और कुरकुरे होते हैं, और घर पे बनाया हुआ फ्लेवर इतना ज़्यादा बढ़िया आता है, एकदम फ्रेशली बेक्ड होते हैं। फ्रेश होते हैं तो खाने में और भी ज़्यादा स्वाद लगता है। अब आप देख सकते हैं चने हमारे कितने अच्छे से भून के तैयार हो गए। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमें थोड़ा सा नमक कम और चने ज़्यादा लग रहे हैं, तो अभी हम आपको थोड़े कम चने वाला लॉट भी एक बार रोस्ट करके ऐसे दिखाते हैं। फटाफट से इन चनों को निकाल लिया है, क्योंकि अब भुनना शुरू हो चुके हैं। तो जैसे ही भुनेंगे इन्हें निकाल लेते हैं हम दोस्तों, और फिर उसके बाद हम आपको थोड़े कम चनों के साथ भी इसे भून के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से भून रहे हैं। बस अब आप क्या करिए, इनको फटाफट से किसी भी छन्नी की मदद से बाहर निकाल लीजिए। बेहद ही ज़्यादा आसान होता है इन्हें भूनना, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया भून के तैयार हो चुके हैं। अब आप गैस को बंद कर चुके हैं, और अब फटाफट से इसको उल्टा कर लेते हैं किसी भी छन्नी के ऊपर, ताकि इसका नमक और चने अलग हो जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से, नीचे हमने एक प्लेट रख ली थी, और वापस इसी नमक में आप और भी चने भून सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया करारे चने भून के तैयार हैं। तो चलिए अपनी अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। अक्सर आपने घर में उबले हुए कॉर्न्स या फिर क्रिस्पी कॉर्न तो ज़रूर खाए होंगे, लेकिन आज की क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी कुछ हटके है, कुछ अलग है, बेहद ही ज़्यादा बढ़िया है, डिलीशियस है, और आप एक बार इसे खाएंगे तो आप बरसों तक याद रखेंगे इसका स्वाद, क्योंकि इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा चटपटा ये बनके तैयार होगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन में पानी गर्म कर लेना है। जब पानी में थोड़ा बॉयल आ जाए तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल के पानी को नमकीन करना है, और उसके बाद हमने अपने 1 कटोरी कॉर्न्स को इसमें ऐड करना है। लगभग हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे इसका एक अच्छा सा बॉयल दिलाने में, तो चलिए फटाफट से इसको एक बॉयल दिला लेते हैं। दोस्तों बॉयल दिलाने से कॉर्न्स अच्छे से पक जाते हैं, और साथ ही में कॉर्न्स में कुछ भी गंदगी होती है वो अच्छे से बॉयल होने की वजह से वॉश भी हो जाती है। तो फटाफट से हमने कॉर्न्स को बॉयल कर लिया है, और इसे 2 बार मैं पानी में अच्छे से रिंस करूँगा, ताकि इसमें कोई अगर रेशा भी हो वो भी अच्छे से निकल जाए। तो ये देख सकते हैं हमने गर्मा गर्म कॉर्न्स को अपने अच्छे से वॉश कर लिया है, और उसके बाद एक बार ठंडा पानी डाल लेते हैं ऊपर, इसको अच्छे से एक बार रिंस और कर लिया है।
अब पानी अच्छे से जैसे ही ड्रेन हो जाएगा हम इसको एक बाउल में ले लेते हैं और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करेंगे। लगभग 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करना है, छोटे चम्मच ही कॉर्नफ्लावर ऐड करें और साथ में थोड़ा सा मैदा। अच्छे से इसको मिक्स करने से पहले दोस्तों इसमें थोड़े से हमने स्पाइसेस को ऐड करना है और स्पाइसेस में हम हल्का नमक, चिल्ली, थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्च हम ऐड कर चुके हैं, लाल चिल्ली फ्लेक्स हम डाल रहे हैं अब, या फिर आप चाहें तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा नमक। बस अच्छे से इसको मिक्स करें। अब आप कहेंगे कि कॉर्नफ्लावर बेहद ही ज़्यादा हो चुका है या मैदा, इतने ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब हम एक क्या नई चीज़ करने वाले हैं इसमें। हम क्या करेंगे, इस सारे मटेरियल को एक छन्नी में उल्टा लेते हैं। छन्नी ले ली, नीचे एक प्लेट ले ली। अब क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर और मैदा है वो छन के बाहर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितने आराम से सारा का सारा कॉर्नफ्लावर ईजिली छन के बाहर हो चुका है। तो सारा कॉर्नफ्लावर छन चुका है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, इन कॉर्न्स को 10 मिनट के लिए से फ्रीज़ कर लें, ताकि जब हम ये फ्राई करें तो बहुत ही बढ़िया फ्राई होता है फ्रीज़ किए हुए कॉर्नफ्लावर्स। तो हमने क्या करा, थोड़ा सा ऑयल लिया और हमारे कॉर्नफ्लावर्स फ्रीज़ हो चुके थे, हमने बाहर निकाल लिया है। तो ये देखिए ऑयल हमने गर्म कर लिया था, अब इन कॉर्नफ्लावर्स को हमें डीप फ्राई करना है। लगभग 3 से 4 मिनट में इनका कलर सुनहरा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अक्सर जो मार्केट में क्रिस्पी कॉर्न मिलते हैं उसमें जो है कॉर्नफ्लावर की परत ज़्यादा होती है, हमने छाना इसलिए ताकि इसमें इसकी परत कम कर सके, कॉर्नफ्लावर मिनिमम से मिनिमम शरीर में जाए। साथ ही में दोस्तों हम क्या करेंगे, मार्केट वाले कॉर्नफ्लावर्स जो होते हैं, मार्केट वाले क्रिस्पी कॉर्न्स, उसमें जो ओनियंस हैं वो फ्राई किए हुए होते हैं। हम इसको ज़्यादा फ्राई पर ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ इन कॉर्न्स को ही फ्राई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉर्न्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, लेकिन इनका कलर ज़्यादा डार्क इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने कॉर्नफ्लावर ज़्यादातर छान लिया था। तो चलिए अब इन कॉर्न्स को जो हमने क्रिस्प करे हैं निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे से अब हम तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। बेहद ही ज़्यादा यम्मीलिशियस रेसिपी है, आप एक बार खाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। घर में बड़ों से लेकर बच्चों तक बेहद ही ज़्यादा पसंद करते हैं इस रेसिपी को। तो आप देख सकते हैं हमने सारे के सारे कॉर्न्स अपनी प्लेट में निकाल लिए हैं। अब फ्रेंड्स हम इसके लिए इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे, चटपटा बनाएंगे, तभी इसका नाम क्रिस्पी कॉर्न होता है। तो दोस्तों स्पाइसी करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स के साथ 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 ही में थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं, और साथ ही में इसको गार्निशिंग करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा कटा हुआ लेट्यूस, कटे हुए प्याज और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, आप चाहें तो स्प्रिंग ऑनियंस भी कटे हुए ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आपके स्वाद अनुसार ऐड कीजिए। और बस इसे थोड़ा सा और चटपटा बना लीजिए, एक नींबू को इसमें निचोड़ लीजिए, इतना यम्मीलिशियस बनके तैयार होगा। दोस्तों कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज तक सब तक पहुंचा सकें, और साथ ही में हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।